हाय, दिस इज गणेश खतियाटा, यू आर वॉचिंग स्टेट टॉक्स। अगर आपको तलाश है अपने ड्रीम होम के, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि आपकी तलाश पूरी हो सकती है इस वीडियो को देखने पर। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से लेके आ चुका हूँ साहू सिटी में, और इस पे मैं पहले भी ऑलरेडी 2 BHK का सैंपल बना चुका हूँ, जिसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया, लाइक किया, और 1 BHK का रिक्वेस्ट कर रहे थे कमेंट्स पे। तो मैं 1 BHK का सैंपल आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक बने रहें, और पहली बार आप आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साहू सिटी के बारे में, क्या कनेक्टिविटी है, लोकेशन कहाँ पर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो लोकेशन आता है, ये NH56 सुल्तानपुर रोड पे ऑन रोड का प्रोजेक्ट है। दोस्तों, मैं आपको अपने कैमरे से दिखाता हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं सुल्तानपुर रोड, जिसे NH56 कहते हैं। यहीं से एंट्री आपकी है साउथ सिटी का, आगे बोर्ड देख सकते हैं, और ये मेन एंट्रेंस जहाँ से एंट्री एग्जिट है। आप अंदर जाएंगे टाउनशिप में, और ये बाहर आप ग्रीनरी देख रहे हैं, जो दिल्ली लैंड एरिया इन्होंने अभी डेवलप किया हुआ है। तो ये आपने देखा जलसा, मैं नियर बताऊँ, नियर अबाउट इसका जलसा रिजॉर्ट आता है SL-ITC से। ये आपका हार्डली 2 से 3 किलोमीटर, हम मान के चलते हैं अप्रोक्स 3 किलोमीटर पर है। सामने ये देखिए NH56 सुल्तानपुर रोड, डिवाइडर रोड है ये। कनेक्टिविटी की बात करें दोस्तों, कि इस टाउनशिप में आपको कनेक्टिविटी क्या देखने को मिलेगी, तो कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी इस टाउनशिप में किसान पथ की। यहाँ से पहाड़ली 500 से 800 मीटर पे किसान पथ है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की मिलेगी, सुल्तानपुर रोड की कनेक्टिविटी ऑन रोड पे है ही है, शहीद पथ की मिलेगी, ये आपको कनेक्टिविटी मिलने वाली है। अबाउट द प्रोजेक्ट हम बात करेंगे कि यहाँ इस प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ से अप्रूव है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये LDA अप्रूव प्रोजेक्ट है दोस्तों, RERA में रजिस्टर्ड है, और फाइनेंस के नेशनलाइज बैंकों में भी अप्रूव्ड है। तो आप ये देख सकते हैं साहू सिटी का मेन एंट्रेंस। तो आपको एक मेन का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो रेसिडेंशियली भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन, अगर आप रेसिडेंट पर्पज़ से भी देख रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट दोनों को ही फुलफिल करता है। ऑन रोड है, सुल्तानपुर रोड पर है, देख रहे हैं आप एंट्रेंस। आइए मैं आपको थोड़ा टाउनशिप के अंदर दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जो बोर्ड लगे हैं, उसके आपको मैं ब्रीफ करता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने आपको इस तरह ब्रीफ किया था। ये साहू सिटी का पूरा लैंड पैच है, आप देख रहे हैं, जो ये एंट्री है। तो ये टोटल लैंड 17.3 एकड़ में है, और यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट चल रहा है वो क्राउन ब्लॉक का चल रहा है, इसी में ही आपको फ्लैट देखने को मिलेंगे। 1 BHK सैंपल हम इसी पे देखेंगे। तो साहू सिटी में क्या आपको एमिनिटीज़ मिलेगी, आप अगर देख सकते हैं, जैसे गार्ड रूम है, ग्रीन आइसलैंड है, प्लॉटेड डेवलपमेंट है, ड्राइववे, गेस्ट हाउस, कॉमर्शियल पार्किंग, किड्स प्ले एरिया, पार्क, माउंट, साइकिल ट्रैक, टेम्पल देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको, ESSS गार्बेज है, STP है, स्कूल है, लॉन है, पेरिफ्री गार्डन, गैजीबो, शॉपिंग पाथवे। अप्रूवल्स के लिए आप चाहें तो पूरा देख सकते हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना आप देख सकते हैं, LDA का अप्रूवल है, आवास बंधु से है, UPRERA में रजिस्टर्ड है, और फाइनेंस के लिए इतने आप बैंकों से देख सकते हैं अप्रूव्ड है, चाहे वो कैनरा हो, एक्सिस हो, ICICI हो, टाटा कैपिटल हो। ये आपका है क्राउन ब्लॉक, टोटल 5 टावर्स हैं, टावर T1, T2, T3, T4, T5, इसी में ही हम 1 BHK देखेंगे दोस्तों। तो मैं आपको ज़्यादा वेट ना कराते हुए सीधा ले चलता हूँ सैम्पल फ्लैट की तरफ, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या प्राइस रेंज है, क्या चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। तो आइए चलते हैं सीधा सैम्पल की तरफ। तो अभी हम आ चुके हैं साहू सिटी के सैम्पल में, 1 BHK का सैम्पल हम देखेंगे। 2 BHK का सैम्पल मैंने इससे पहले बनाया है, डिटेल आप देख सकते हैं। ये लिफ्ट का स्पेस है, काफ़ी स्पेस है, लिफ्ट सर्विस लिफ्ट आपको मिल रही है। तो एक लॉबी में 2 लिफ्ट्स हैं, दूसरा लिफ्ट ये रहेगा, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, आप क्या कहते हैं, पैसेंजर लिफ्ट है ये, स्पेशियस। तो 2 स्टेयरकेसेस आपको मिलेंगे लॉबी में, और 2 लिफ्ट्स रहेंगी। 1 and 2 BHK आपको देखने को मिलेंगे साहू सिटी में, काफ़ी अच्छे सेगमेंट में लेकर आए हैं, काफ़ी रिजनेबल रेट्स में। तो वीडियो के लास्ट में आपको रेट बताऊंगा क्या है। तो ये 1 BHK है, एक्चुअली ये 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था, तो बैलून से आप देख रहे हैं उसी का है। उस तरफ 2 BHK का सैंपल इसे मैं लास्ट में पहले दिखा चुका हूँ वीडियो में, आज हम स्पेशली 1 BHK देखने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं काफ़ी वाइडर रोड,
आइए अंदर की तरफ चलते हैं। 686 का सुपर एरिया है दोस्तों, और ये देख सकते हैं लिविंग एरिया 11x14 में आपका लिविंग एरिया है। मैं बॉक्स साइज में आपको बता रहा हूँ। और सीलिंग हाइट आप देखें, काफ़ी अच्छा सीलिंग हाइट दे रहे हैं। तो हमने वहाँ से एंट्री की ये लिविंग। तो मैं डिस्क्लेमर कर दूँ प्राइस को लेकर और जो भी चीज़ है फ्लैट को लेकर, मैं डिस्क्लेमर कर दूँ कि अनफर्निश्ड आपको मिलेगा और प्राइस टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, तो प्लीज़ सेल से आप कंफर्म कर लें। ये किचन है आपका, किचन में आपको वेनाइटा स्लैब और सिंक देखने को मिलेगा। तो जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, ये सीलिंग हाइट आपकी अच्छी दे रहे हैं। नौ बाई छः का आपका किचन, और ये आपका कॉमन 1 BHK में आपका ये फर्स्ट एक ही वॉशरूम है। जो सैंपल में भी हैं फिटिंग्स लगी हुई हैं, पैरी है की फिटिंग्स हैं। साइज की अगर हम बात करें वॉशरूम की, तो 6x4 का अप्रॉक्स साइज है ये। ये आपको यहाँ पे UPVC पे स्लाइडिंग डोर देखने को मिलेंगे, 3 फीट वाइडर है। और आप देख सकते हैं इस तरह से चेयर्स और टेबल्स हैं रखे गए हैं, सर रख सकते हैं आप। और 2 बालकनीज आपको देखने को मिलेंगी, एक बालकनी आपको कॉमन है जो लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में है। और हम आ चुके हैं ये बेडरूम में, नौ बाय 12 का ये बेडरूम है दोस्तों, 686 स्क्वायर फीट सुपर एरिया 9x12 का आपका बेडरूम। और ये देख सकते हैं वार्डरोब का स्पेस भी आपको वार्डरोब में दिया जाएगा। ये बालकनी, काफी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, तो काफी ग्रीन रही है। तीन फीट वाइडर ये बालकनी है। अब मैं आपको रिवर्स में ले चलता हूँ, लेआउट को से समझिए बेहतरीन तरीके से। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट बेडरूम आपका, जैसा UPVC स्लाइडिंग डोर्स बालकनी 9x12 में है, हम बाहर को बता रहे हैं। और ये वॉशरूम कॉमन है, अटैच नहीं किया गया है बेडरूम से। और ये आपका सेकेंड बाथरूम लिविंग एंड डाइनिंग से। जो कारपेट है यहाँ पे आता है वो 400 के आसपास आता है, 600 सुपर एरिया 400 कारपेट एरिया। तो आपने लिविंग को देखा, डाइनिंग को देखा, ये देख सकते हैं पूरा देव आपको सुनने आ गया होगा। जैसे कि आपने 1 BHK सैंपल देखा साहू में, 686 सुपर एरिया और कारपेट एरिया आपका आता है 400 स्क्वायर फीट के आसपास। अब हम बात करेंगे प्राइस रेंज की। प्राइस रेंज से पहले आपको बताऊं कि साहू सिटी इतना फाइनेंशियली मजबूत है, बिल्डर की मैं तारीफ करना चाहूँगा। दो दो पैंडेमिक हुए, 2 बार कोविड यहाँ पे हुआ, पैंडेमिक हुआ, फिर भी उसके बावजूद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं रुका दोस्तों, कंस्ट्रक्शन लगातार चलता रहा। कई बिल्डर्स आप देखेंगे जिनका काम रुक चुका है पैंडेमिक के दौरान, बट यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लगातार होता रहा पैंडेमिक में भी। और प्राइस रेंज उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है, दो दो कोविड से देखे, पैंडेमिक देखा, लॉकडाउन देखा, फिर भी प्राइस रेंज को मेंटेन करके चल रहे हैं, वो भी इस लोकेशन पे विद ऑल अप्रूवल, चाहे वो LDA कैनरा से हो या रेरा से हो, बैंक से हो, फिर और मेन रोड का प्रोजेक्ट। तो प्राइस रेंज यहाँ पे जो BSP की हम बात करें, 2800 रुपये पर स्क्वायर फीट यहाँ पर प्राइस रेंज है। 1 BHK जो कॉस्ट करता है यहाँ पर 20 लाख के अंदर करता है दोस्तों, 1 BHK सभी एडिशनल चार्जेस को मिला के, उसके ऊपर रजिस्ट्री आती है, तो 20 लाख के अंदर अंदर यहाँ पे आपको 1 BHK 600 स्क्वायर फीट में देखने को मिल जाता है। अब हम बात करें अगर 2 BHK क्या कॉस्ट कर रहा है, तो 32 लाख के आसपास आपको यहाँ पर 2 BHK देखने को मिल जाता है 2800 रुपये के रेट से 1080 सुपर एरिया में। मैं आपको बता दूं, अगर आपने 2 BHK का ना देखा हो तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, आप सपोर्ट करें।
ताकि मैं शहर को ग्रो कर सकूं और बिल्डर्स में अप्रोच कर सकूं, वीडियोस बना सकूं और आपको अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं उन बिल्डर्स को। तो मेरे दो सवाल हैं आपसे जाते जाते, आप अगला वीडियो किस प्रोजेक्ट पे देखना चाहते हैं ब्लॉग, और ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे आपका रिक्वेस्ट था 1 BHK पे, तो मैंने 1 BHK बनाया सैंपल साहू में, तो आगे भी कोई आपका रिक्वेस्ट है कुछ आप देखना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, मैं टाइम मैनेज करके उसे भी बनाऊंगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। और कोई भी क्वेरी हो आपको रियल इस्टेट के रिगार्डिंग, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या विज़िट करना चाहते हो टाउनशिप की तो कॉल करके आप अपनी विजिट ही बुक करा सकते हैं। और एक अच्छी टाउनशिप है, ऑन रोड है, तो मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगा आप देखिए इसे, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। थैंक यू।